अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी, जो अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन फ्राई बनाने के लिए हम यहाँ पे 1/4 किलो चिकन ले लेंगे और चिकन के बड़े बड़े पीसेस ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। और 2 चम्मच ग्रीन सॉस डाल देंगे, ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। ये चिकन जो है थोड़ा सी हम स्पाइसी बनाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे और यहाँ पे 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि जो हमने सॉस डाले हैं उसमें भी नमक होता है। और इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। ये दूध जो है 1/2 कप से भी कम है, थोड़ा सी हम इसमें दूध डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे हम 1 कप मैदा ले लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब ये जो हमने मैदे के आटे में कॉर्नफ्लावर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर मिलाए थे, इसमें से हम 3 से 4 चम्मच जो है अलग प्याली में डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सी पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। देखिए, अब 2 घंटे बाद हम चिकन को जो है फ्रिज से निकाल लेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है बनाना है, इसे फ्राई करना है, तो आप 1 घंटे बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब ये जो चिकन है इसे हम सबसे पहले ये जो मैदे का आटा और कॉर्नफ्लावर है इसमें डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम सूखा आटा लगा के ले लेंगे। अब हम ये इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे ये आटे में डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा के ले लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। देखिए, इसी तरीके से हम सारे रेडी करके ले लेंगे। इसे आप चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इस तरीके से बना के, और बाद में भी इसे फ्राई करके खा सकते हैं। एक साथ हम सारे चिकनों को इसी तरीके से हम रेडी करके ले लेंगे।
तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम गैस को स्लो फ्लेम पे करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करके ले लेंगे। और इसे हम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, इसे फास्ट पे नहीं करेंगे। अगर हम इसे फास्ट पे करेंगे तो चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब ये एक साइड से लाल होने लगे तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से इसे लाल होने के लिए देंगे। ये देखिए चिकन जो है अच्छे से पक गया है और दोनों साइड से लाल हो गया है। अब ये रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और हम अभी बाकी के चिकनों को भी रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए सारे चिकन जो है रेडी हो गए हैं और ये अंदर से जूसी स्पाइसी और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ये रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।